उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 8 सीट पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय किए हैं। मिल्कीपुर की सीट पर पिटिशन होने की वजह से यहां के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई। बाकी सीटों पर 13 नवम्बर को चुनाव होना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट दे दी गई है। खैर सीट अलीगढ़ जिले में आती है। इन 2 सीटों के अलावा बाकी सीटें सपा लड़ने जा रही है। कुंदर की सीट के अलावा पार्टी ने बाकी सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। कांग्रेस पहले से ही ये 2 सीटें सपा से मांग रही थी। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के अगले दिन ही सपा ने यूपी में 6 सीटों पर उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इसे कांग्रेस के लिए संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी सीटों के बंटवारों को लेकर बातचीत से इनकार किया था। सूत्र कहते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद सीट बंटवारे पर सहमति बनी। सपा ने 9 अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी और मंझुआ में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं गुरुवार शाम को सपा ने मीरापुर में प्रत्याशी घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया। गुरुवार को स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुंबुल का नाम तय किया। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधु हैं और बसपा नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदरकी, गाजियाबाद और खैर सीटें बची थी। कुंदरकी सीट पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, वहीं गाजियाबाद और खैर सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। दरअसल यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाना चाह रही है, इसलिए कांग्रेस एनडीए और बीजेपी के विधायकों से टक्कर लेने की सोच रही है। कांग्रेस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मौजूदगी दाखिल करना चाह रही है। सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमारे गठबंधन का बस यही मकसद है कि सभी सीटों पर बीजेपी और एनडीए को हरा दें। सीटें चाहे जिसके हिस्से में आए, समर्थन दोनों पार्टियों की तरफ से रहेगा। यूपी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया है। ये भी तय किया गया कि उपचुनाव नए चेहरों को ही अधिक मौका यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी हुई नहीं है। वहीं चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी अपने एनडीए के कुनबे के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। उधर इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और सपा भी मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान सेट कर रहे हैं, क्योंकि 18 से 25 अक्टूबर तक 9 सीटों को लेकर नामांकन होगा, वहीं 13 नवंबर को मतदान। ऐसे में अब चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझुआ, कटेरी, खैर और मीरापुर सीटें शामिल हैं। जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं इनमें से 8 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई। मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। मिल्कीपुर सीट को लेकर न्यायालय में याचिका लंबित है, इसी वजह से इस सीट पर चुनाव का फैसला अभी नहीं हुआ। हालांकि याचिकाकर्ता ने रिट वापस लेने का कोर्ट में अनुरोध किया है, इस पर बृहस्पतिवार को फैसला होना है, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल किए जाने से फैसला 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।